गड्ढा उड्ढा खोद के उनको दफन करके अपनी आ रही है। अब करके अब लौट रहे हैं घर की ओर। घर पहुंच के अभी बानर भोज हमको करना है। बानर भोज गोयन जी को फोन मिलाया, कोई पता नहीं और कोई संगी साथी नहीं। जिसको बेचारा घनश्याम ड्राइवर मिल गया, तो अपना बड़ी बेटी ड्राइवर होते तो और मुसीबत होती नहीं देख लिए। लेकिन हनुमान जी ने तुरंत चमत्कार किया। अचानक ये आ गए, हमने बूझे मन से कहा कि बेटा आधे घंटे का 45 मिनट का समय दे दो। और एक महान कार्य ही से बड़ा कोई काम नहीं है धर्म का, साधारण दे दिया करो। तो बेचारे घनश्याम तैयार हो गए, मदद कर दिया, पुण्य के भागीदार हो गए। अब एक घर में गाड़ी खड़ी करके अपनी साइकिल से 13 किलोमीटर ये रवाना हो गए। धीरे से मुड़ जा, हाँ दे दे यहाँ, चलो सीधे नहीं दिक्कत कुछ ना ही, धीरे से चलो, इधर से एकदम खाली रास्ता मिल जाए। ये अब आगे यहाँ से हुआ तक डिग्री काले चौराहे तक बढ़िया रास्ता है, कहीं हटना बढ़ना नहीं। एक अकेली जान है, लोग कहेंगे बाबा अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा करो। क्या ख्याल रखें, इतनी बड़ी रायबली में इतना गौशाला गौशाला, इतने भगत लोग, क्या भगत लोग अगर आवाज़ उठावें सरकार तक बात पहुंच जाए मंदिर जाने वाले, तो क्या ये गौओं के लिए कुछ ना हो ना, कोई आवाज़ नहीं उठाना, बस मंदिर। मंदिर में मिले भगवान आज तक, कर्म नहीं करोगे भगवान मिलेंगे, 7 जन्म हो जाएगा नहीं मिलोगे। यही कारण है बड़े बड़े भगत लोग चारपाई में सड़ के मरते हैं। क्यों मरते हैं भाई, है कहेंगे साहब इनकी पिछले यानी अपनी बात को ऊपर करना क्या फायदा है भाई। SP साहब के लैट्रीन रोज हम धोएं और होमगार्ड के सिपाही 2 डंडे हमको रोज मारे। जब 2 डंडे हमको होमगार्ड का सिपाही को मारना है तो काहे लिए हम SP साहब के लैट्रीन धुलाई करें भाई। हमको जब भोगना है तो काहे लिए भगवान के बटली में मक्खन लगाने। मिले आज तक भगवान किसी को? अंधविश्वास इस गाय के लिए, अरे का 10 आदमी को खड़ा होना था, मैं फ़ोन करता एक ले दे के भुवन सिंह, वो भी बेचारे उनका फ़ोन ही नहीं मिलता, पता नहीं कैसा नंबर रखते हैं, फ़ोन उनका मिलते नहीं। खैर कोई बात नहीं, चलो भाई अनवा न कर्मा राजा, अब हम जाएंगे भोज करेंगे। वो भी रोज भोज करते हैं, अगर यही सामान हमसे ले करके वो भी भोज में कर लें तो हमारा काम कुछ हल्का हो जाए। लेकिन पता नहीं किस मिजाज के बने हैं वो, उनको ला नहीं, बाबा जी हमको अपना ही अच्छा लगता है। रेप कहा छोड़ो, कैसे समझाएं तुमको, छोड़ो नहीं कोई मिला। आखिर में देखो हनुमान जी ने मदद किया कि घनश्याम यादव आ गए, तुरंत हमारी मदद में हाथ बटवा दिया, गड्ढे खुदवा दिए, सारी व्यवस्था हो गई, होके हम लोग घर वापस आ गए। अचानक इनका आना हुआ और बहुत बुझे मन से मैंने इनसे कहा भाई 13 किलोमीटर साइकिल से जाना है इनको, 13 किलोमीटर माने रखता है। और बेचारा तैयार हो गया, कह चलो इनके अंदर धार्मिक भावना है और भंवरेश्वर बाबा चाहेंगे तो इनको खूब दर्शन दिया करेंगे। अब भंवरेश्वर में कभी भंवरेश्वर में तो गए नहीं तुम? अरे राम राम राम, हे भगवान, चलो किसी दिन आपके साथ घूम आए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी दिन कहा जौने दिन कह दे हो, बस सवेरे आ जाओ, खूब जल्दी सवेरे आ जाओ, उतने अच्छा है। दुनिया भी थोड़ा सकल उठा है, हमारे सब सड़क पर इधर गाड़ी इधर गाड़ी, कोई नियम कानून नहीं है। और किनारे वो सब दुकानदार इनके बड़े बना दीन का है, नाम है कि गैलरी, कहीं गैलरी है, सब दुकानदारों का कब्जा है। ये है अंधा समाज, चेयरमैन हो गए तो वो खुदा हो गए, मंत्री बन गए तो खुदा हो गए, ये खुदा की खुदाई देख ले रहे हो, ये क्या जरूरत थी, ये सारे दुकानदारों का ये अड्डा बन गया और नाम है गैलरी। कहाँ है गैलरी, कहाँ है गैलरी, सब दुकानदारों को आराम से है, तो क्या है नाटक।
और सड़क सकरी की सकरी, गाड़ियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे दरवाजे वहाँ एक वो पिछले निजाम ने उन्होंने नाले को ऊंचा करवा दिया, देखिए सब भगवान लोगों के फोटो हैं, ऊंचा करवा दिया नाले को बिला वजह। अरे भाई नाले में जब 2.5 इंच पानी, मैं वो 1.5 इंच पाइप का पानी आना है तो आगे 4 इंच पानी टंकी की क्या जरूरत, यहीं चौराहे से पानी जाता है भाई, एक पानी आ रहा है काहे से 1.5 इंच से, और 1.5 इंच के आगे आपने 4 इंच का पाइप लगा दिया क्यों, या नाला ऊंचा कर दिया गया था। ये सब सरकारी जगह है, देख रहे हो गेट वोट सब नाले के इस पार आ गए, सब ये सरकार की जमीन उसी में घुस गई, ये नाला ऊंचा देख रहे हैं आप क्या जगह किसको ऊंचा, क्यों पैसा भी बन गया बजट, इधर से घुसोगे है रास्ता, देखो समाज चलो गनीमत है, ये नाला सब ऊंचा किया गया है, देख रहे हैं सब दुकानें लगी हुई हैं, अब यही ना हो नीचे हो तो दुकान और पीछे। आप मानोगे नहीं बाबा, हम दिल्ली में गाड़ी चलाते थे। अच्छा हाँ, यहाँ नहीं दिल्ली में। अच्छा घुमा लो, ट्रैफिक थे कि वहाँ समझ लो। अच्छा आप गेट खोल दीजिए। हाँ लगा देते हैं। बिल्कुल बेटा, बहुत बड़ा पुण्य का काम तुमको आज मिल गया, गेट खोलें गाड़ी अंदर करें, सब लोग देख रहे होंगे, ना 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 मर रहे हैं, सब मर रहे हैं इसी सकरे करण में, कोई नहीं बोलने वाला ना, अरे आवाज़ उठाओ ऐसी तैसी हो जाए सब, ये नाले में क्या सब जिसको जो मन में आवे वो बनवा दे, जनता जाए छोले भाड़ में। हाँ अरे भैया उठ जाओ, नहीं गाड़ी आ रही कहीं, भैया चल जाए घोड़ो घोड़ो। हाँ चलो 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 उधर। हाँ चलो चलो, अच्छी खासी बछिया ले आओ, चले आओ। हाँ चले आओ चले आओ चले आओ आओ चले आओ चले आओ आ जाओ, आओ लाओ आओ लाओ। हाँ चले आओ चले आओ चले आओ, आओ लाओ आओ लाओ, लाए रहो लाए रहो लाए रहो, आओ लाओ आओ लाओ। रुक जाओ देखिए भला, हाँ हो ये सबसे ये एरिया लोहना गवा फांस गवा ना, फालतू में एरिया टेरिया लगाए हराम जादे, यहाँ रेडियो को सुन, रुक जाओ। हाँ चलो थोड़ा ऊ ले लो पीछे, हाँ चलो और ले लो थोड़ा सा, बस बस ठीक थोड़ा बस ठीक, बौछार उछार आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है भाव हो गया, अभी अपने आराम से बैठें, अब ये रह गई हैं महीनों का लफड़ा है, इनसे छुटकारा मिले तो कहीं गांव में किसी को दे दें, वो अपाहिज बंदर है वो जो हो कितना समय लेता है, यही हमारी ज़िंदगी है सुबह से शाम, अब बंदर भोज के लिए, यही मैंने भूवेंद्र सिंह से कहा कि अरे भैया तुम पेट्रोल का खर्चा दे लिया करो, सामान यहाँ से ले लो, हैं उस सामान को ले जा कर के जरा खिला दो, कभी कभी हमारी थोड़ी सहायता कर दो, फ़ोन मिलाएंगे, वो नहीं था ये तो हम बड़े चिंतित रह गए, बड़ी बेटी का ड्राइवर आएगा वो छुएगा नहीं, उसका मतलब कि अगर हमने बछिया को छुआ है तो मैं बगल में उसके ना बैठूं, तो हमने कहा अच्छा भैया हम अकेले करेंगे, अब बताओ वहाँ नदी के किनारे अकेले फावड़ा लेके गड्ढा खोदना नदी तक ले जाना कितनी बड़ी समस्या थी, कितनी जटिल समस्या थी, और तुरंत 2 मिनट के अंदर घनश्याम आ गया, देखो तुरंत हनुमान जी उपाय करते हैं, जब वो राहत मैडम कहती हैं राहत राहत मदर कि बाबा जब से आपसे हम जुड़ी हैं तब से मैंने 3 चमत्कार देखे हैं, अब बोलिए आप, तो बाहर के लोग समझ रहे हैं मूल्यांकन कर रहे हैं, रायबरेली में एक आदमी है जो हमारी मदद करे आ करके, सब वही मंदिर 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 मंदिर, कोई जानता है, हाँ बाबा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप महान हैं, आपको सीधे स्वर्ग हो जाएगा, ये नहीं कोई बताता कि भैया आप कहाँ जाओगे, हमको तो स्वर्ग हो जाएगा आप कहाँ जाओगे, ठीक बेटा चलो सब हो ही गवा, आधे घंटे में आए, आधे घंटा पौन घंटे में हो ही गवा सब, हाँ ठीक निकल जाओ, ये बेचारा मौके पर काम आया,
इन मौके पर आओ। एक बाबा ठीक है, जय हो जय हो जय हो। अब इसको भंवरेश्वर हम ले जाया करेंगे। ये कहन बाबा जब भंवरेश्वर चलना है तो बताओ हमका। ये देखो भाग्य की बात, बदा तो इनका रहा और जब हम टीका लगावत हैं राधे उनका, हनुमान जी भगा दे, कहीं नहीं का हटाओ छोड़ो। ये होत है चमत्कार। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।